तो चेंज वगैरह लगा रहे हैं जनाब हम अपनी जीप के टायर्स पे, क्योंकि अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो है और ये ट्रैक जो है ये स्लिपरी है। सबसे अच्छा होटल जो है वो यहाँ पर पाइन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट्स है, ये आप इसका आउटसाइड व्यू देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि रूम रेंट्स क्या चल रहे हैं और इनकी रूम्स की क्या कंडीशन है। शुगरान में जिप लाइन है, यहाँ पर पहले नहीं थी, ये अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। सो वेलकम टू शुगरान वैली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज योर बड़ी, दिस इज योर बॉय वैस सुबान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ट्रैवल विद सुबान। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिशन टर्न प्रोग्राम सीरीज। मिशन टर्न प्रोग्राम सीरीज के एक और नई एपिसोड में आपको करते हैं जी वेलकम। सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारा जैसा कि मिशन टर्न प्रोग्राम सीरीज के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो यही है कि हम जो मेन टूरिस्ट प्लेसेज हैं रिलेटेड टू विंटर सीजन वो हम कवर कर सकें। मिशन टर्न प्रोग्राम सीरीज की इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जी शुगरान वैली। शुगरान भी जो है वो एक बहुत जबरदस्त टूरिस्ट प्लेस है रिलेटेड टू विंटर सीजन। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और स्नो होती है, तो बहुत एक अच्छा स्पॉट है। क्या क्या एक्टिविटीज है यहाँ पे करने के लिए वहां चल के आपको बताएंगे, रास्ते की मालूमात देंगे, जाना कैसे है, फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपनी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, तो सारी मालूमात से आपको आगाह करेंगे। तो चलते हैं जी एक्सप्लोर करते हैं शुगरान वैली। हम पहुंच चुके हैं जी फाइनली बालाकोट में। 8 बजे हमने अपना सफर का आगाज किया था और अभी 11 बज रहे हैं। 3 घंटे का सफर होता है वाया पिशावर M1 मोटरवे से होते हुए हजारा मोटरवे, और हजारा मोटरवे से फिर आप एक शाते इंटरचेंज है, शाते से आप बाहर निकलेंगे तो आप एक शॉर्टकट गांव का रास्ता है वो अपनाते हुए आप यहाँ बालाकोट ईजिली पहुँच सकते हैं। तो 11 बज रहे हैं, रिवर व्यू होटल रेस्टोरेंट है यहाँ पे बालाकोट में, और जब भी आप शुगरान की तरफ, नारान की तरफ या शाहरान फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में ही आता है, बहुत इकोनॉमिकल रेट्स हैं और यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करते हैं। रिवर व्यू होटल, इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक रिवर साइड है, बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और इसके अलावा अगर आप कोई हाई फाई रेस्टोरेंट चाह रहे हैं तो कॉर्डिलेरा रिजॉर्ट है यहाँ पे बालाकोट में, विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, जो कि आपको बुफे भी प्रोवाइड करेगा और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में। आई थिंक सो मैंने ट्राई किया था 950 या 1000 रुपीज़ प्राइस है उनकी ब्रेकफास्ट बुफे की। तो मल्टीपल वैरायटी आपको कॉर्डिलेरा रिजॉर्ट बालाकोट में देखने को मिल जाएगी। तो अगर इस तरफ जा रहे हो तो आप ये दो मेन रेस्टोरेंट है याद रखिएगा, खाना भी अच्छा होता है इनका और व्यू साइट्स भी अच्छी हैं इनकी। रिवर व्यू होटल पे अभी नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं शुगरान वैली की जानिब। तो ये देखिए जी, इस होटल की ख़ास बात ये है रिवर साइड व्यू होटल की, कि यहाँ पर आपको एक बेहतरीन किस्म का व्यू मिलता है दरिया के बिल्कुल किनारे पे बैठ के। आप ये छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पर आप बैठ के जो है ना वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं, दरिया का बेहतरीन व्यू, और इस बेहतरीन व्यू के साथ आप यहाँ पर बैठ के जब नाश्ता करेंगे, आय 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 क्या कहने, क्या कहने। तो नाश्ता हमारा आ चुका है जनाब, नाश्ते में हमने मंगवाया जी पराठे, ऑमलेट, चने और ये चाय एज यूजुअल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर,
पहुंच चुके हैं जी फाइनली किवाई में। बालाकोट से किवाई का रास्ता आधा घंटा आपको लगेगा यहाँ तक पहुंचने में। तो किवाई ही मेन वो पॉइंट है जहाँ से आपको शुग्रान के लिए जीप अवेलेबल होगी। अगर तो आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप ऊपर अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, अदरवाइज अपनी गाड़ी आप यहाँ पे मेन पार्क करें और यहाँ से जो है ना वो शुग्रान की जानी 4x4 जीप चलती हैं। ये गाड़ियाँ ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको शुग्रान के लिए जो है वो जीप इजीली मिल जाएगी। 5,000 रुपया ये चार्ज करते हैं। इस एक जीप में 7 बंदे बैठ सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी गाड़ी आ सकती है। नाउ ऑनवर्ड जो है अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो फिर आप इजीली लेके जा सकते हैं और चेंज होना भी आपके पास लाजमी है। तो यहाँ से जनाब अभी जीप पर बैठते हैं और ऊपर आपको शुग्रान तक का ट्रैक भी इंजॉय कराते हैं और ऊपर मिलते हैं आपसे शुग्रान में। तो जीप हमने हायर कर ली है जनाब, अभी इस जीप पर बैठ कर चलते हैं ऊपर शुग्रान टॉप। एक किलोमीटर का जो पैच था वो हमने कवर कर लिया है, बट नाउ ऑनवर्ड जो है वो हमें चेंज की ज़रूरत है। तो चेंज वगैरह लगा रहे हैं जनाब हम अपनी जीप के टायर्स पे, क्योंकि अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो है और ये ट्रैक जो है ये स्लिपरी है। तो अभी हम अपनी जीप को जो है वो चेंज वगैरह लगा रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी लाते हैं चाहे वो 4x4 ही क्यों ना हो तो उसके लिए भी आपको चेंज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो रिस्क मत लें, अपनी गाड़ी की वाई में पार्क करें और जीप हायर करें और पहुंचे शुग्रान। सो वेलकम टू शुग्रान वैली। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जी शुग्रान वैली में। किवाई से आपने जीप हायर करनी है और सीधा पहुंचना है शुग्रान। जीप का ये ट्रैक जो है वो 5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि आप बासानी जो है वो आधे से पौने घंटे में तय कर लेते हैं। तो हसीन नज़ारों को एंजॉय करते हुए किवाई टूवर्ड्स शुग्रान आप पहुंचे। यहाँ पर पहुँच कर जनाब आपको ये व्यू मिलेगा, देख के पहाड़ी पहाड़ हैं और आप पहाड़ों के दामन में मौजूद हैं। और मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम आज बिल्कुल साफ़ है, सूरज निकला हुआ है। लास्ट सीज़न में मैं जब आया था शुग्रान तो बहुत ज़्यादा स्नो थी, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो है वो इस साल काफ़ी कम स्नो पड़ी है। आप देख सकते हैं 1 या 1.5 फुट ऑलमोस्ट पड़ी होगी, बट लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, 4-5 फुट बर्फ़ थी और लाइव स्नोफॉल चल रही थी उस वक्त। तो ये जनाब आप यहाँ पर स्नो बोर्डिंग भी कर सकते हैं। और क्या हाल है लाला? ठीक हो? कितने चार्जेज हैं इसके? स्की के 500 लेते हैं, 2 राउंड होते हैं। अच्छा, जो स्नो बोर्ड है उसके 200 लेते हैं। 200 स्की बोर्डिंग के और स्की के? इसके 500 लेते हैं। इसके 500 लेते हैं, 2 राउंड देते हैं। 2 राउंड देते हैं, सही है, बेहतरीन है। क्या हाल है लाला? ठीक हो? चार्ट कितने की दे रहे हो? 100 की दे रहे हैं। 100 की है, चलो बनाओ ना ज़रा एक सही मसालेदार और स्पाइसी तड़का मार के शुग्रान में चाट इंजॉय करते हैं जी विद दिस ब्यूटी। आए 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 आपका भाई जनाब आज बर्फ़ में चाट इंजॉय करेगा। आए 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 गला तो ख़राब है, ये चाट खाएंगे फिर ठीक हो जाएगा। बात तो सही है। अच्छा जनाब ये रास्ता जो है वो सिरीपाए की जानिब चला जाता है, तो सुनने में आया कि सिरीपाए जो है ना वो अभी क्लोज है ड्यू टू हैवी स्नो, रास्ता बंद किया हुआ है उन्होंने। तो ये रास्ता शुग्रान की जानिब और ये रास्ता सिरीपाए की जानिब। शुग्रान में जो है वो एक और एक्टिविटी भी है करने के लिए, शुग्रान में जिप लाइन है, यहाँ पर पहले नहीं थी, ये अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। क्या हाल है लाला? ठीक हो? क्या टिकट है जिप लाइन की? 500 है। तो गाइस बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। जिप लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जा रही है वो वहाँ पे एंड हो जाती है। तो ये एक मज़े का एडवेंचर है शुग्रान वैली में, जब भी आए तो भाई से जो है ना वो ये आपने जिप लाइन ज़रूर ट्राई करनी है। सर्दियों में भी खुली है, गर्मियों में भी खुली है, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो ये मज़े की बच्चों के हवाले से भी, आप भी कितना बड़ा बंदा ले सकता है? बड़ा भी ले सकता है, 140 किलो का बंदा ले सकता है। ठीक है, तो
तो नाज़रीन, बर्फ़ पे चलने के लिए जो है वो लॉन्ग शूज़ की ज़रूरत होती है, तो जो नॉर्मल शूज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे और गीले हो जाते हैं, तो लॉन्ग शूज़ यहाँ से आप ले सकते हैं। हाँ लाला, क्या हाल है? ठीक है सर। कितना रेंट है जूतों का? 150। ठीक है, तो 150 रुपये के जनाब ये आपको जूते मिलेंगे, हर साइज़ के जूते अवेलेबल है, लेडीज़ के भी हैं और जेंट्स के भी हैं। तो ये जनाब सिरीपाई टॉप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लोज हुई हुई है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। अगर बात की जाए जनाब शुग्रान वैली में होटल्स की, तो सबसे अच्छा होटल जो है वो यहाँ पर पाइन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट्स है। ये आप इसका आउटसाइड व्यू देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि रूम रेंट्स क्या चल रहे हैं और इनके रूम्स की क्या कंडीशन है और ये फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं जी पाइन पार्क होटल में और यहाँ की मैनेजमेंट से बात करते हैं कि आज कल के हिसाब से जो है वो रूम रेंट्स क्या चल रहे हैं और उनके पास किस किस तरह के रूम जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं। तो पाइन पार्क जैसा कि शुग्रान का एक वेल नोन रिजॉर्ट है और बहुत फेमस भी है, तो मैंने कहा एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लूं आपसे कि आजकल के हिसाब से जो है वो रूम रेंट्स आपके पास क्या चल रहे हैं और किस तरह के रूम्स आपके पास अवेलेबल हैं। हमारे पास तो सबसे पहले तो ये ऑफ सीजन चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा हमारे पास। माशाल्लाह, दैट्स गुड। जो हमारे पास डिलेक्स है 6,500। ठीक है। लग्जरी जो रूम्स हैं वो 7,500। सही है। उसके बाद हमारे पास VIP हैं वो 14,500 हैं। ठीक है। उसके बाद स्वीट क्वार्टर्स वगैरह हैं वो हमारे तकरीबन 25,000। तो सही अगर है। आप पीक सीजन में आते हैं तो ये रेट नहीं होंगे, ये जस्ट अब ऑफ सीजन के रेट है। ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन में क्या रेट होते हैं? नॉर्मल रूटीन में यही बताया पहले कि 6,500, जो 6,500 ये पीक सीजन में तकरीबन 13-14,000 में। अच्छा, होते हैं। जी। अच्छा। तो इसमें आप क्या क्या सहूलतें देते हैं? इसमें हमारे पास जो VIP रूम्स है ना उसमें 24 घंटे गर्म पानी। ठीक है। और हीटर 24 घंटे होते हैं हमारे, ब्लोअर वाला हीटर, एक दूसरा होता है सिंपल हीटर। जी जी, ठीक है। और गर्म पानी 24 घंटे हमारा। ठीक है। वाईफाई सब कुछ? हाँ, वाईफाई है बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक है, तो एक शॉर्ट सा अगर आप टूर करा दें इन रूम्स का। जी जी, हाँ जरूर। चले, ये जनाब VIP फैमिली रूम जो कि 14,500 का है, इसको शॉर्ट सा अगर टूर करते हैं अंदर से। आए 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 आए, वाकई VIP है यार, क्लासिक माशाल्लाह। तो LCD वगैरह लगी हुई है, ब्लोअर जैसा कि आपको बताया था लगा हुआ है, वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है और बहुत ही लग्जरी कारपेटेड रूम है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और डाइनिंग के लिए टेबल और सोफ़ा वगैरह भी पड़ा हुआ है और डबल बेड है, यहाँ पे आपकी एक फैमिली एडजस्ट हो सकती है। ये वॉशरूम इनका देख लेते हैं, वॉशरूम भी आपको चेक करा देता हूँ। ये जनाब इनका वॉशरूम ज़बरदस्त हर सहूलत जो है वो मौजूद है। तो लग्जरी रूम एंड VIP रूम। रूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं एक और ही बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा, ये चेक करें। ओए होए 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 होए, ये कौन सी पीक है सामने वाली? ये इसे तो ज्यादा मूसा का मसल्ला के नाम से बड़ी मशहूर जगह है, और सामने सी पैक मनसूबा जो नजर आ रहा है वो भी शायद नाज़रीन को दिखाएं। ये हमारा सी पैक मनसूबा जो है ना। अच्छा, तो ये सी पैक का मनसूबा है और ये मूसा का मसल्ला है, जो ये मूसा का मसल्ला है जनाब, और ये सी पैक का मनसूबा जो है वो चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू माशाल्लाह। तो ये जनाब इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे आप ग्रुप मीटिंग्स वगैरह भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी कॉरपोरेट क्लाइंट अगर आना चाहे तो वो भी आ सकता है। ये जनाब इनका लग्जरी रूम जिसकी प्राइस है 7,500, इसका भी शॉर्ट सा टूर मैं आपको करा देता हूँ। ये डबल बेड है और साथ में सिंगल बेड है, यहाँ पे 3 से 4 बंदे एडजस्ट हो सकते हैं, और ब्लोअर जैसा कि आपको बताया ये सहूलत भी मौजूद है। यहाँ से ये व्यू जो इनका आउटसाइड व्यू है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये जनाब इनका लग्जरी रूम का वॉशरूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और गर्म पानी की सहूलत भी मौजूद होती है यहाँ पे। इनका एम्बियंस तो चेक करें यार, ये कमाल का एम्बियंस है, मतलब एलीट वाली जो फीलिंग है ना वो आती है लग्जरी रूम में भी। तो ये था जनाब पाइन पार्क का शॉर्ट सा रिव्यू, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ पे स्टे करना हो, फैमिली रिजॉर्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरी रूम है और सारी सहूलतें जो है वो इन होटल्स में मौजूद हैं, तो आप आना चाहें पाइन पार्क शुग्रान में, वन नाइट यहाँ पे लाजमी स्टे करें और अपने साथ मेमरीज लेके जाएं। तो पाइन पार्क के अलावा भी आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, ये पाइन पार्क का रास्ता जा रहा है और अगर इस तरफ चले जाएँ तो ये सारे रिजॉर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो
अगर तो आप इतने हाई फाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे रीजनेबल ऑप्शंस भी बहुत सी मौजूद हैं, जो कि आपको 3,000, 2,500, 3,500 में जो है ना वो रूम इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे स्टे करना हो तो रीजनेबल ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और अगर आपने थोड़ी सी हाई फाई वाइब लेनी हो तो पाइन पार्क इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हम आ चुके हैं जी वापिस किवाई में, और जहाँ से हमने जीप हायर की थी, और किवाई के मकाम पर जो है ये किवाई आबशार बहुत ही फेमस है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर जो है वो गर्मियों में जो है ना बैठकर खाने का अपना एक ही मज़ा है, अभी तो सर्दी है हम यहाँ पे ये चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते। तो किवाई जनाब वो मकाम है जो लोग भी नारान जाते हैं, शुगरान जाते हैं या शरान जाते हैं, तो यहाँ पे वो लाजमी स्टे ओवर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करते हैं और दोबारा यहाँ से फिर अपने सफ़र का आगाज आगे की तरफ करते हैं। शुगरान में जनाब इतना ही कुछ था, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी रिलेटेड टू करंट सिचुएशन। तो यहीं पे जनाब व्लॉग को करते हैं एंड, होप सो आपको व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो डैट यू कुड रिसीव द बेल नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल अपकमिंग व्लॉग। तो मिलते हैं जनाब किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए मकाम पर किसी नई जगह। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ, दिस इज अवैध सुबान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।